अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद काशिफ जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अल्लाह वाले। आज मैं मौजूद हूँ पीपी 216 मुल्तान में। तो आज यहाँ से रिव्यू सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पीटीए के हवाले से खान साहब की जमानत हो चुकी है। तो अभी हम लोगों से पूछते हैं कौन जीता हुआ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, खान साहब की भी जमानत हो चुकी है, कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगा। आप पीटीआई के सपोर्टर? हाँ जी, पीटीआई के। नवाज शरीफ पे पूरी उम्मीद है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नवाज शरीफ तो चोर है, नहीं आएगा हुकूमत में? नहीं आएगा, मुश्किल है। बिलावल भुट्टो साहब भी पूरी उम्मीद है? नहीं, वो भी नहीं आएगा, सिर्फ इमरान खान आएगा। खान साहब? हाँ जी, जिंदाबाद। जी नाजरीन, एक और भाई मिले, इनसे पूछते हैं ये किसको सपोर्ट करते हैं और कौन जीता हुआ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यार भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई जान। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, खान साहब की जमानत हो चुकी है, कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? हमारे हिसाब से तो मियां नवाज शरीफ, हम तो सपोर्ट मियां नवाज शरीफ को करते हैं और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ 8 फरवरी को जीतेगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए बेशुमार काम किए हैं, ना कि इमरान खान ने। इमरान खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं, सिवाय गाली का कल्चर दिया, इसके अलावा तो उसने हमें कुछ दिया ही नहीं। नवाज शरीफ ने तो इस मुल्क के लिए बड़ी तरक्की की है और हम नवाज शरीफ को इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीतते हुए देख रहे हैं। खान साहब भी पूरी उम्मीद है। इमरान खान ने 9 मई का जो सानिया किया, उसके लिए तो उसको आना ही नहीं चाहिए। उसने तो हमारे मुल्क की जो है ना कौमी तनसीबात पे हमला किया और वो कौम का भी मुजरिम है, हमारी पाक फौज का भी मुजरिम है। हमारी तो कोशिश ये है कि मियां नवाज शरीफ आए, जीते और हम जो ताजर हजरात हैं मियां नवाज शरीफ के साथ हैं। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ की सपोर्ट भी करेंगे और मियां नवाज शरीफ जीतेगा। जी व्यूअर, एक और भाई मिले, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? इंशाल्लाह ताला इमरान खान भाई जान, वोट उसी का। नवाज शरीफ साहब भी पूरी उम्मीद है, बिलावल भुट्टो साहब भी पूरी उम्मीद है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर उनकी औकात नहीं रही, आप नहीं, वो नहीं जीत सकते। इमरान खान इंशाल्लाह ताला। खान के आगे सारे ढेर हैं? सारे ढेर जीरो हैं, आप जीरो, इंशाल्लाह ताला इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर, एक और भाई मिले, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? इंशाल्लाह जीतेगा तो हमारा खान, और ऐसा पाकिस्तान में कोई बंदा भी और नहीं है कि वो जीतेगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब भी पूरी उम्मीद है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह हमारा खान जीतेगा। उनका काम पे टांग रही है अभी, उसका काम पे टांग रही है कि खान आ रहे वापस ही, इंशाल्लाह जब आएगा इनका और भी काम पे टांगेगा। अभी तो सुन के मेरी काम पे टांग रही है। नहीं नहीं, उनका काम पे टांग रही है, इंशाल्लाह जीतेगा हमारा खान और उसका सपोर्टर है, उसके लिए जान भी हाजिर है। ठीक हो गया। जी नाजरीन, कुछ है और भाई मिले, इनसे रिव्यू करते हैं। कौन जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है यार, जीतेगा बिलावल। बिलावल भुट्टो? आप बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं सपोर्ट उसको नहीं करता हूँ, मैं बाजवा को सपोर्ट करता हूँ और आसिफ मुनीर को सपोर्ट करता हूँ। आपका लीडर कौन सा है? आसिफ मुनीर, क्योंकि इलेक्शन में भजन पीटीआई नू लीग है, पीपल पार्टी है, आसिफ मुनीर नहीं है। मेरा जो लीडर है वो इमरान खान है, लेकिन सेलेक्टेड जो सेलेक्ट करने वाले है ना वो आसिफ मुनीर भाईजान है। हमारा आका जो है ना आसिफ मुनीर, वो सेलेक्ट करेगा, कोई भी आ सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, सेलेक्ट करते हैं? हाँ वो सब करते हैं, सारे सिस्टम वो चलाते हैं, मुल्क का किसी और कोई नहीं चलाता, सिस्टम वो चलाते हैं। आर्मी चीफ का कहना है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करते? नहीं नहीं, वो तो कब से करते आ रहे हैं, कौन बोलता है नहीं करते, सारा मुल्क वो चला रहे, सारे इदारे सिस्टम, ये जो सियासत का माँ बहन हो गया है ना, इसी वजह से हुआ है। अच्छे और बुरे का किसी को पता नहीं चलता भाई, कौन हक पे कौन ना हक है। आपके मुताबिक बिलावल भुट्टो साहब आएंगे? हाँ वो कुसरा आएगा, कुसरा हमारी जान। जी सर, आप किसके सपोर्टर हैं? हम इमरान खान के, लेकिन वोट हम उसको देते हैं। किसको? बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो से भी चाहते हैं? चाहते हैं उसको। यार देखो, फीमेल आ गया पाकिस्तान का जो लीडर आ गया, फीमेल बेनजीर भुट्टो, उसका भी हमने हालात देखे, उसको हुकूमत देखा, उसके बाद नवाज शरीफ आ गया, इमरान खान आ गए, इस बार हम लोगों ने खुसरे को चेक करना है कि भाई ये कैसे मुल्क चला रहा है। जान है बिलावल भुट्टो, जान है।
वो यू करेगा। जी सर, एक और अपना भाई मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, कौन जीतता हुआ नजर आ रहे? बस हमारे नुमाए तो खान साहब के साथ है कि अल्लाह जीत इनकी मुकदर करे, लेकिन बस अभी जो आज से जो शुरू हो रहा है जो प्रोग्राम, यानी बल्ले के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाया या कंपेन नहीं दे रहा है, जो कुछ भी है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे दुआ खान साहब के साथ है, इंशाल्लाह खान साहब जीत जाएगा और ये आवाम इनके साथ है, चाहे वो हवाई मखलूक जो कुछ भी कर दे, चाहे जितना भी वो पाबंदियाँ लगाए इनके ऊपर, यानी इसके ऊपर जो भी सख्तियाँ हैं वगैरह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ आसान कर देगा। हमारा आखिरी उम्मीद खान साहब है और इंशाल्लाह हम खान साहब को कामयाब करके दिखाएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे, इंशाल्लाह ये हमारा आखिरी उम्मीद है और बस अल्लाह आपको भी खुश रखे बस। और क्या खान साहब और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब की अपनी जमानत हो चुकी है जबकि अदालत ने उन्हें मासूम करार दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बस अल्लाह करे बस मासूम साबित तो सबको आवाम ने तो आवाम के सामने तो साबित हो चुका है कि मासूम है, इसका ना तो कोई भाई है नहीं इसका तो कोई वो ख़ानदान है ना कोई फैमिली है इनका, करप्शन उन्होंने किया भी नहीं है, तो बस हमारे नज़रों में तो कुछ भी नहीं है, बस वो जो उसके ऊपर वो पे लगा रहे तो मते जो इंशाल्लाह एक ना एक दिन खान साहब सुरखरू होगा और इंशाल्लाह जीत भी इनके मुकदर होंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ का कहना है जिन्होंने जितनी 4 साल में अपना करप्शन किया इसने 50 साल में करप्शन नहीं हुई। जी विवर एक और भाई मिले, इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं? तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, अपना किसको सपोर्ट करते हैं? हमारे वोट और जान हर चीज इमरान खान के नाम है। इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान जीता हुआ नजर आ रहे हैं? हम हक और सच को सपोर्ट करते हैं, जीते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान क्लीन स्वीप कर गया पूरे पाकिस्तान से, जबकि बल्ला इंतखाबी निशान से भी हट चुका है, उनका दल्ला अगर आया हमारा बल्ला वापसी आ जाएगा, पूरी उम्मीद है आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पक्की उम्मीद है इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी प्यारे भाई एक और भाई मिले इनसे रेडियो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जनाब सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान के सपोर्टर हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि बल्ले का निशान भी खत्म हो चुका है, आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। तो बल्ले का निशान तो खत्म हो चुका है फिर भी इमरान खान को देंगे? बल्ला दोबारा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह जरूर आएगा। चले और भाई मिले इनसे इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यार भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, कौन जीतेगा? इमरान खान। आप इमरान खान के सपोर्टर हैं? हाँ इंशाल्लाह माशाल्लाह। बल्ले का निशान जो है वो खत्म हो चुका है? नहीं खत्म नहीं हो चुका है, दोबारा आ जाएगा इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे खान साहब के बारे में? इमरान खान गद्दा भी कड़ा करे ना हम उसको भी वोट दे देंगे। जी नाज़रीन एक और भाई मिले इनसे पूछते हैं, रिव्यू करते हैं किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यार भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे, कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? इंशाल्लाह शेर जीतेगा। आप शेर के सपोर्टर हैं? जी जी इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे हम। खान साहब भी पूरी उम्मीद है जबकि उनका बल्ला जो है इंतखाबी निशान से हट चुका है? नहीं नहीं इंशाल्लाह शेर जीतेगा, अल्लाह खैर करे, शेर आएगा दोबारा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी दोस्तों आज के जो रिव्यू में सबसे ज्यादा वोटिंग में नजर आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा पीटीआई के सपोर्टर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर नून लीग के सपोर्टर नजर आ रहे हैं, जबकि पीपल पार्टी और दूसरी पार्टियों का बिल्कुल नामो निशानी है। इसी रिव्यू में सबसे ज्यादा वोट जो पड़ रहे हैं वो पीटीआई के हैं, नून लीग के भी अच्छी सपोर्ट है, और अगर इमरान खान साहब हिस्सा नहीं लेते तो नून लीग आवाम के मुताबिक जीती जीता ही है। आज का इंटरव्यू यही कर दे खत्म, जिसने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगले व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।